Hello, students. Welcome all of you to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, I Abhay Kumar going to discuss very important topics in classical mechanics for B.Sc. Part Three Physics Honors, B.Sc. Part One Physics General, and B.Sc. Part One Physics Subsidiary Courses for all universities. The topics to be discussed in this video will be constants, holonomic and non holonomic constants, and generalized coordinates. These topics are usually asked in BSc Part 3 Physics Honors and BSc Part 1 Physics General and Physics Subjury. Courses, examinations of all universities. First of all, we have to discuss constraints. What are constants? Constants are certain conditions or geometrical restrictions applied on the motion of a particle or ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट किसी पार्टिकल का मोशन पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर अप्लाई किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शंस है और ज्योमेट्रिकल मेटिकल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है या कंडीशंस हो सकता है कॉन्स्टेंट्स कहलाता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन सम वे एक्चुअल प्रैक्टिस में व्यवहार में किसी भी पार्टिकल का मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन दैट मीन्स किसी बॉडी का मोशन या रिजिड बॉडी का मोशन तो वह किसी न किसी कंडीशन के अंतर्गत होता है उसमें पार्टिकल के मोशन पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन पर कुछ ना कुछ कंडीशंस जरूर अप्लाई किया हुआ किया हुआ होता है तो दो जो रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस और यूमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स तो उस पार्टिकल के किसी पार्टिकल के मोशन पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन पर या किसी रिजिड बॉडी के मोशन पर जो रिस्ट्रिक्शंस जो मेडिकल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है और कंडीशंस जो अप्लाई किया इंपोज किया होता है उसे कांस्टेंट्स कहा जाता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोशन ऑफ ए पार्टिकल और मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स or motion of a rigid body are restricted in some way some of the examples of restricted motions are number one the motion of a point mass of a simple pendulum is restricted since the point mass is always at a certain distance fixed distance from the point of suspension वेर फ्रॉम विच द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड दैट इज पॉइंट मास विच इज कॉल्ड बॉब और पेंडुलम इज ऑलवेज एट ए फिक्स डिस्टेंस एट एनी पोजिशन वेन द सिंपल पेंडुलम इज़ ओसिलेटिंग इज ओसीटिंग देन एट एनी पोजिशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम the point mass of the simple pendulum is always at a fixed distance from the point of suspension because the length of the string through which the bob is uh, suspended is same at any position of the bob or of the simple pendulum so the motion of uh, the bob of a, uh, the motion of a simple pendulum इज रिस्ट्रिक्टेड इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस वे किसी सिंपल प्रोलम का मोशन पर विचार किया जाए सिंपल प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से स्ट्रिंग मासलेस होता है और इनएक्सटेंसीबल होता है कंडीशन ही है कि मास को बॉब को लटकाने से उसके लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं होना चाहिए और वह स्ट्रिंग इलास्टिक होना चाहिए तो उसके लेंथ में कोई इलोंगेशन नहीं होगा उस बॉब को सिंपल पेंडलम के बॉब को सिंपल पेंडलम के गोली को स्फेयर को जो आयरन बॉल और ब्रास बॉब होता है और स्ट्रिंग से लटका दिया जाता है एक एक्सडीट सपोर्ट से इस सिस्टम को सिंपल पेडम कहा जाता है तो जब सिंपल सिंपुल का मोशन होता है एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जिस पॉइंट से उसे सिंपल फिल्लम के स्ट्रिंग को लटकाया जाता है सस्पेंड कराया जाता है तो हैंग कराया जाता है तो उस पॉइंट से उस स्ट्रिंग का अदर इंड जिससे कि बॉब कनेक्टेड होता है तो उसका लेंथ क्या होता है क्योंकि चूँकि इनएक्सटेंसेबल इन इस स्ट्रिंग है तो वह डिस्टेंस हमेशा उस बॉब का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से क्या होता है हमेशा इक्वल होता है सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन और रिस्ट्रिक्टेड मोशन सो आई एम रिपिंग अगेन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन इज द मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑफ ए सिंपल इज़ रिस्ट्रिक्टेड सिंस द पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन Another example of restricted motion of a system consisting of gas molecules inside a container, inside a vessel, is also restricted by the walls of the container or the vessel because the gas molecules only move inside the cylinder, gas cylinder. और गैस कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट तो किसी गैस सिलेंडर के अंदर गैस मोलिक्यूल्स का मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड मोशन है यह भी कांस्टेंट मोशन का एग्जाम्पल हो गया इसलिए कि यहां गैस मोलिक्यूल्स भी गैस सिलेंडर के वाल से क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड है गैस सिलेंडर के वाल से गैस मोलिक्यूल नियंत्रित होता है और चूंकि गैस मोलिक्यूल्स गैस सिलेंडर के अंदर ही मोशन करता है बिकॉज द गैस मोलिक्यूल्स ऑलवेज मूव इन साइड द गैस सिलेंडर एंड रिस्ट्रिक्टेड बाई द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर गैस सिलेंडर सो इट इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन एंड वन मोर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बट थर्ड एग्जाम्पल इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ ए Solid sphere is restricted. The motion of a particle placed on the surface of a solid sphere is also restricted, is also constrained because the condition is the particle should move either on the surface of the sphere or outside the surface. Outside the surface, because at the point of the sphere, where the particle lifts the sphere, then in that case, the motion of the particle is outside the surface of the sphere. So it is also the example of constant motion or restricted restricted motion. That is, third example is the motion of a particle placed on the surface of a solid sphere, and it is also it is also. A restricted motion because it can that is the particle can move either on the surface or surface of the sphere or outside the sphere. Now we have to discuss holonomic and non holonomic constants. Constants are classified as number one, holonomic and non holonomic constants, and number two. रियोनोमिक एंड सीरोनोमिक कॉन्स्टेंट्स वट वी हैव टू डिस्कस्ड हेयर होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स का टू टाइप्स में से वन टाइप है अब होलोनोमिक एंड नन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट क्या है इसे जानना होगा इसे डिफाइन करना होगा वाट आर होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स सपोज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑर ए ऑर ए बॉडी इट मे बी रिजिड बॉडी ऑल्सो तो सपोज ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स हैविंग पोजिशन कॉर्डिनेट्स से आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आर थ्री वैक्टर डॉट डॉट r n vector if there are n number of particles or molecules in a system then their position vectors can be expressed as expressed by the symbols r1 vector that is position vector of the first particle r2 vector is the position vector of the second particle r3 vector is the position vector of the third particle and r4 vector r5 vector dot dot so on and so on and in last rn vector is the position vector of the nth particle of the system. So, let r1 vector, r2 vector, r3 vector, dot, dot and so on, rn vector are the position vectors of a system of particles and t denotes the time. t is the time. Then, if condition of all the constants, all the restrictions, constraints means restrictions are expressed as equation having the form. एफ अंदर ब्रैकेट आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आर थ्री वैक्टर एन सो ऑन डॉट डॉट सो ऑन आर एन वैक्टर एंड दीज आर द पोजन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एंड पार्टिकल्स सो दर पोजिशन वैक्टर्स आर एक्सप्रेस्ट एज आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आर थ्री वैक्टर डॉट डॉट सो ऑन एंड सो ऑन आर एन वैक्टर एंड टाइम टी ऑल्सो क्टर आर टू वैक्टर डॉट डॉट आर एन डॉट डॉट एन सो ऑन डॉट डॉट मीन सो ऑन और आगे भी फर्दर वैसे ही पोजिशन कॉर्डिनेट है एंड टी एंड टाइम टी एंड इट इज एस्पेस्ड बाई इन आर एच एस इट इज इक्वल टू जीरो दट इज एफ दैट इज Condition of all the constants applied on the system are expressed as of the position coordinates of the system are, uh, can be expressed in form f under bracket, small f under bracket R1 vector, R2 vector, R3 vector dot dot rn vector uh, and t time t equals to 0. If this condition is fulfilled. डीशन फॉर ऑल द कॉन्स्टेंट्स इज फुलफिल्ड देन द कॉन्स्टेंट्स आर सेट टू बी होलोनॉमिक मतलब पोजिशन कोर्डिनेट और टाइम या इक्वेशन के रूप में फॉर्म होना चाहिए इक्वल टू तो जीरो इन इक्वलिटी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ऑल कॉन्स्टेंट्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ आर्टिकल्स अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ इन इक्वलिटी के फॉर्म में हो गया ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो और लेस एन इक्वल टू जीरो आर वन वैक्टर आर टू वेक्टर आर थ्री एंड सो ऑन आर एन एंड टी इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन इनक्वलिटी दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो और स्मॉलर और स्मॉलर एंड इक्वल टू देन इन दैट केस देर इज देयर विल बी एंड इनक्वालिटी सो The constants in that in that case, if this equation, if the constants are of the system of particles, cannot be expressed in this form and expressed in the form of inequalities, then those constants are said to be non-holonomic constants. The holonomic constant ke hai, for holonomic constants.

कॉन्स्टेंट्स जो अप्लाइड है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर या उस उस बॉडी पर जिसमें बहुत सारे उस बॉडी पर या सिस्टम पर जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसका कि पोजिशन फैक्टर से यहाँ एक्सप्रेस किया गया है तो अगर इक्वेशन वन से एक्सप्रेस किया जाता है उसके पोजीशन वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड टाइम को मतलब जो कंडीशन अप्लाई है ये कांस्टेंट अप्लाई किया गया है तो इस इक्वेशन के फॉर्म में जब एक्सप्रेस किया जाएगा तब तो होलोनोमिक कांस्टेंट है अदरवाइज अगर इस इक्वेशन के रूप में ना हो करके अगर इसी में एफ आर वन फैक्टर आर टू फैक्टर आर थ्री फैक्टर सो एंड सो ऑन आर एन टी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो और स्मॉलर इक्वल टू स्मॉलर एंड इक्वल टू जीरो तो इन दैट केस दैट केस द कॉन्स्टेंट्स आर नॉट टू बी होलोनोमिक and uh, in that situation the constants uh, are said to be non-holonomic constants so we have discussed we have discussed both non-holonomic and non-holonomic constants now some examples of holonomic and non-holonomic constants for more clear concept so first example of uh, holonomic constant is the constants involved in the motion of a rigid body in the motion of a, of a rigid body the constants applied or constants or restrictions involved or applied are said to be holonomic constants because distance between two points inside a rigid body is always fixed so the condition of holonomic constants expressed by equation 1 can be fulfilled so the constants involved in the motion of a rigid body rigid body a motion is a constant involved hoga,

रिजिट बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भी किया जाए तो उनके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इसलिए रिजिट बॉडी के अंदर किन्हीं पार्टिकल्स का या दो पॉइंट्स का जो पोजीशन होता है वो हमेशा फिक्स होगा और तब होलोनोम एफ अंडर वैकेट आर वैक्टर आर टू वैक्टर एंड सो ऑन आर एन एंड टी इजकल टू जीरो क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है तो वहां तो इन होगा नहीं वहां तो यह मतलब यह इक्वेशन ही आर एच एस में जीरो ही होगा दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजक्ल टू जीरो आर और ये क्या है पोजिशन आर जो है दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस है सेपरेशन है तो वह सेपरेशन हमेशा अगर किसी कि दो रिजिट बॉडी के अंदर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर मान लें कितना ए है और आर तो पोजिशन फैक्टर है किसी भी पार्टिकल का तो दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा मतलब आर और ए दोनों क्या होगा इक्वल होगा तो दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू जीरो इक्वेशन को हम रील रील वडी को रील वडी में के रील uh, वडी के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई किया जा सकता है देयर फॉर आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर सो कंडीशन वन विच इज द कंडीशन विच इज द कंडीशन इक्वेशन वन गिव द कंडीशन इज द कंडीशन फॉर फॉर ऑल द कॉन्स्टेंट्स एक्सप्रेस्ड ऑल द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस्ड फॉर द होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स मतलब ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन वन देन इन द फॉर्म गिवन बाय इक्वेशन वन देन दो कॉन्स्टेंट्स आर सेट टू बी होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट तो ये कंडीशन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट के लिए जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है इक्वेशन वन के द्वारा इसलिए रीड बॉडी मोशन मतलब रीड बॉडी में जो कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा रीड बॉडी मोशन में तो वह क्या होगा होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट होगा चूंकि रीड बॉडी के अंदर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है सेकेंड एक्जाम्पल ये इज ऑफोलोनमिक कॉन्स्टेंट इज ए बीट मूविंग ऑन ए सर्कुलर वायर अगर कोई बीड है एक स्पेरिकल बॉडी बीड स्मॉल बॉडी स्पेरिकल बॉडी तो वह अगर मोशन करता है किसी सर्कुलर वायर थी सर्कुलर वायर पर तो यह मोशन होलोनोमिक कांस्टेंट के अंदर आएगा इसलिए कि इसमें कंडीशन क्या होगा फिर से इक्वेशन वन सेटिसफाई होगा अब मान लिया कि ए रेडियस है ए रेडियस है ये ए रेडियस है उस सर्कुलर वायर का तो सर्कुलर वाइड के सरफेस पर बीड मोशन कर रहा है तो हमेशा उसका जो मोशन होगा सर्किल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा ए डिस्टेंस पर होगा विच इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल तो पोजिशन वैक्टर अगर उस पर पोजिशन वैक्टर उस किसी पार्टिकल का किसी बीड का जो पोजिशन वैक्टर है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर उस वायर के वो अगर आर है तो वह जो डिस्टेंस होगा आर इक्वल टू ए होगा मतलब रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल के ही इक्वल होगा सो कंडीशन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो फुलफिल होगा जो कि इक्वेशन वन के अकॉर्डेंस है That is r square is equal to a square, where a is the radius, small a is the radius of the uh, wire, and r is the small r is the position vector of the bead which is moving always moving on the surface uh, uh, on on a circular surface of, of a circular wire. So second example, a, be a bead moving uh, on a circular wire, that is constants involved in the motion of a bead on a circular wire is uh, holonomic constants. Now third example of holonomic constant constant is the constants involved in the मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जिसको कि हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टेंट के एग्जाम्पल में भी और ये बताया था कि सिंपल पेंडुलम में बॉब जो होता है वो हमेशा बॉब हमेशा क्या होता है एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से तो अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड या स्ट्रिंग को एल मान लिया जाए और पोजिशन वैक्टर मान लिया जाए सपोज कर लिया जाए उसका फिक्स पॉइंट से बॉब का उसको आर मान लिया जाए तो यहाँ पर भी कंडीशन वही अप्लाई होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इजकल टू जीरो दैट इज आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर या एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द बॉब या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और आर क्या है पोजिशन फैक्टर ऑफ द पोजिशन फैक्टर ऑफ द आर इज द पोजिशन फैक्टर ऑफ द बॉब फ्रॉम द फिक्स पॉइंट पोजिशन फैक्टर कहाँ से होता है फिक्स पॉइंट होता है ऑरिजिन से सपोज किया जाता है तो यहाँ पर भी कंडीशन वही होगा दैट इज आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर या आर माइनस एक भी कर दें ए भी पोजिशन वेक्टर मान लें किसी किसी पार्टिकुलर पोजिशन पर बॉब का तो आर माइनस ए स्मॉल ए का होल स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर दोनों फिक्स है नहीं तो आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है डेट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो चूंकि पॉइंट मास से पॉइंट पॉइंट मास का जो पॉइंट मास होता है सिंपल फेलम का जो बॉब होता है उसको एक पॉइंट मास के रूप में माना है किया जाए तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमेशा डिस्टेंस क्या है फिक्स है जो कि अगर एल मान लिया जाए और उसका पोजिशन कोऑर्डिनेट मान लिया जाए उस पॉइंट मास का या बॉब का आर तो कंडीशन यहाँ फुलफिल होगा इक्वेशन वन के द्वारा जो दिया गया है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स now some examples of non-holonomic constants are number one the constants the constants involved in the motion of a particle placed on the surface of a solid sphere and in this the condition of constants in this case are expressed as r square minus a square is greater and equal to zero that is it is not in the form of equation one which was the condition for conditions for condition for constraints, for holonomic constants that is f r1 vector r2 vector r3 vector and so on rn vector and time t is equal to 0 so this that is r square minus a square greater than or equal to 0 is not in the form of that equation that is conditions for that is uh, condition for uh, condition for holonomic uh, constant that is because it is an inequality so the constants involved in the the constants involved in the motion of the constants involved in the motion of a particle placed on the surface of a solid sphere is a is an example of non holonomic constant because the particle may

इसलिए इन इक्वलिटी यहाँ पर है आर स्क्वायर इज ग्रेटर एन इक्वल टू ए स्क्वायर डेट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड आर इज द स्मॉल आर इज द पोजिशन फैक्टर ऑफ़ द पार्टिकल तो या तो जब पार्टिकल अस्फेयर के सर्फेस पर होगा तब तो आर इजकल टू तब तो आर स्क्वायर इज इजकल टू ए स्क्वायर कंडीशन फुलफिल होगा लेकिन जब वह पार्टिकल पार्टिकिल्फेयर के सर्फेस को छोड़ देगा लिफ्ट वहाँ से अस्फेयर के सर्फेस को किसी पॉइंट पर लिफ्ट कर देगा तो उस सिचुएशन में तो उसका जो पोजिशन फैक्टर होगा पोजिशन कॉर्डिनेट उसका पोजिशन फैक्टर पार्टिकल का वह रेडियस ऑफ द सर्किल से क्या होगा अधिक हो जाएगा तो यह कंडीशन आर स्क्वायर ग्रेटर एन इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब इसमें इनइक्वलिटी है माने यह कंडीशन इनक्वलिटी को फुलफिल करता है सो दैट इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्फेयर सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड बाई

गैस मोलिक्यूल्स का मोशन नन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट के अंतर्गत आएगा क्योंकि उस पर जो कंडीशन अप्लाई होगा वह फिर इक्वेशन वन जैसा नहीं होगा जो कि होलोनोमिक कॉन्स्टेंट uh, के लिए कंडीशन है यहां पर भी इन होगी इसलिए कि मोशन ऑफ द मैंने गैस मोलिक्यूल्स का जो मोशन है वह रिस्ट्रिक्टेड होगा वाल्स के द्वारा ऑफ द कंटेनर कंटेनर और द सिलेंडर सिंस द मोशन ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स इनसाइड ए गैस कंटेनर इज Uh, restricted by the walls of the container so that the gas molecules always, gas molecules always move inside the container so the condition is in this case is r square is a smaller or equal to a square that is r square minus a square a small r square minus a small a square r square minus a square is a uh, is a, uh, a smaller than equal to 0 तो कंडीशन फुलफिल होगा यहां पर भी फिर इन है तो कॉन्स्टेंट द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नन होलोमिक कॉन्स्टेंट बिकॉज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इज आर स्मॉल आर स्क्वायर इज अ स्मॉलर एन इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज द वेयर स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर और उस कंटेनर को ए रेडियस का सपोज कर लिया जाए और आर क्या है पोजिशन फैक्टर ऑफ द पोजिशन फैक्टर ऑफ ए गैस मोलिक्यूल देन द कंडीशन इज आर स्क्वायर इज स्मॉलर एन इक्वल टू ए स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा गैस मोलिक्यूल्स उस कंटेनर के सरफेस तक हो सकता है तो उस सिचुएशन में तक मूव कर सकता है तो उस सिचुएशन में आर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा लेकिन गैस मोलिक्यूल्स उसके द्वारा कंटेनर्स के वाल्स के द्वारा वाल्स के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होता है उसका मौसम गैस मोलिक्यूल्स का मौसम तो उस सिचुएशन में हमेशा गैस मोलिक्यूल्स Uh, उस सिलेंडर के अंदर मोशन करेगा तो सिचुएशन में आर स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर वेर आर इज द स्मॉल आर इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ द गैस मोलिक्यूल ऑफ ए गैस मोलिक्यूल एंड ए इज द रेडियस ऑफ द दैट कंटेनर दैट वेसल एंड थर्ड एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल इज एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन ए रफ सर्फेस विदाउट स्लिपिंग इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नल हॉर्नोमिक कॉन्स्टेंट दैट इज एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन ए रफ सर्फेस रोलिंग ऑन ए रफ इन क्लाइं प्लेन विदाउट स्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन ए रफ इन प्लेन विदाउट स्लिपिंग किसी रफ इन प्लेन कोई समतल है इनक्लाइन प्लेन है झुका हुआ तल है ऑरिजेंटल से और उस पर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन सपोज करते हैं किसी स्पेयर का मोशन हो रहा है विदाउट विदाउट रोलिंग ऑब्जेक्ट सॉरी विदाउट स्लिपिंग तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का मोशन एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन ए रफ इन प्लेन विदाउट स्लिपिंग तो बिना स्लिप किए हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन प्लेन पर तो रोलिंग मोशन द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व इन रोलिंग मोशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वन विच इज द कंडीशन ऑफ होलोनोमिक कॉन्स्टेंट दैट इज एफ आर वन आर टू आर वन आर वन वैक्टर पोजिशन वैक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टकिल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आर टू इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द सेकंड पार्टकिल तो एफ अंडर वैकेट आर वन आर वन वैक्टर कॉमा आर टू वैक्टर आर थ्री वैक्टर एन सो आर एन वैक्टर टी टू जीरो तो रोलिंग मोशन के लिए जो कॉन्स्टेंट होगा जो कंडीशन होगा वह इक्वेशन वंथ के द्वारा एक्सप्रेस नहीं होगा तो इसलिए एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन ए रफ सरफेस रफ इन क्लाइन प्लेन सॉरी रफ इन क्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नन होलो नन होलोनोमिक कॉन्सटेंट चूँकि रोलिंग मोशन में ओरिएंटेशन उस बॉडी का uh, जो इंक्लाइंट प्लेन पर मोशन कर रहा है तो ओरिएंटेशन चेंज ओरिएंटेशन उसका चेंज होगा और ओरिएंटेशन चेंज ऑफ ओरिएशन मीन्स चेंज ऑफ पोजिशन सो Uh, an object rolling on a rough inclined plane without slipping is an example of uh, non-holonomic constants. In last, we have to discuss generalized coordinates. What are generalized coordinates? Generalized coordinates are uh, minimum minimum number of independent coordinates used to uh, specify the position or configuration of a particle or a system of particles. Generalized coordinates are the set of independent coordinates which are sufficient in numbers to specify the motion of a particle or system of particles that is the system configuration to represent the to specify the motion of a particle or system of particles or the system configuration is called generalized coordinates and generalized coordinates are denoted by the symbols q1 a small q1 comma small q2 comma small q3 comma and so on qk comma so on and qf where a small f is the total number of इज कोऑर्डिनेट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स तो जनलाइज कोऑर्डिनेट एक सेट है या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट है किसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का या इंडिपेंडेंट सेट है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का जिसके द्वारा जिसके हेल्प से किसी पार्टिकल के मोशन को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दैट इज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को किसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई किया जा सके जिन इंडिप, जिन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से तो वैसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो फिशियंट होना चाहिए नंबर में संख्या में तो उसे जनलाइज कॉर्डिनेट्स कहा जाता है और जनलाइज ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल क्यू से तो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डॉट डॉट सो ऑन क्यू के सो ऑन क्यू एफ एफ इज द टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कॉर्डिनेट्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स जनलाइज कॉर्डिनेट्स सिंस जनलाइज कॉर्डनेट्स आर इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स द केस ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स देर आर थ्री एंड इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स कार्टीजियन कॉर्डिनेट्स कार्टीजियन कॉर्डिनेट्स चूंकि थ्री होते हैं एक्स वाई जेड तो अगर कोई सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है एन पार्टिकल्स का स्मॉल एंड पार्टिकल्स का तो उसके लिए थ्री एंड इंडिपेंडेंट कार्टीजियन कॉर्डिनेट्स होंगे लेकिन अगर बट इफ दे आर एग्जिस्ट होलोनोमी कॉन्स्टेंट्स गिवन बाई एल इक्वेश स्मॉल एल इक्वेश फॉर्म ऑफ इक्वेशन वन given in the holonomic given in the condition of given for the condition of holonomic constants. We have already discussed it in holonomic constants. If uh, all the constants involved to a system of particles are expressed is expressed as expressed as f a small f under bracket R1 vector, comma r2 vector, comma r three vector and so on. आर एन फैक्टर एंड टाइम टी इक्वल्स टू जीरो देन दिस दिस इज द कंडीशन फॉर द सिस्टम कंडीशन फॉर द होलोनोमी होलोनॉमिक दैट इज द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाई द होलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स थ्री एन क्वारनेट्स कार्टिजियन कॉर्डिनेट्स देयर यहाँ भी यहां पर होलोनोमिकॉन्स्टेंट अप्लाई अगर हो रहा है एक्सप्रेस्ट बाई एल द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वन विच विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इन द कंडीशन ऑफ़ ऑफोम इन होलोनोमी कॉन्स्टेंट्स दैन एल यूज़ टू इलिमिनेट थ्री एन इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स दट इल इक्वेश आर यूज टू

So we will be left with only 3n minus L is equal to f generalized coordinates or degree of of degree or degree of freedoms. Degree of freedom. In that case, if uh, holonomic constants appear given by L equations, then total 3n independent Cartesian coordinates for a system of n particles, we have only थ्री एन माइनस एल इज टू सपोज इट इज स्मॉल एफ जेनरलाइज कॉर्डिनेट्स सो जेनरलाइज कॉर्डिनेट्स आर द मिनिम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स और सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट्स विच आर यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दीज आर कॉल्स दीज आर That is a set of independent coordinates used to specify the motion of a particle or a system of particles are called generalized coordinates and its symbol, its symbol is Q. That is generalized coordinates are denoted by the symbols Q1, a small q1, comma q2, a small q3, dot dot, qk, dot dot, and so on, Q, qf, where f is the total number of generalized coordinates or independent coordinates or degrees of freedom degrees, uh, degrees of freedom thus we have already discussed the large coordinates also in this video and this video is compl uh, completed now thank you very much